नमस्कार। दीपावली के से पहले आप सभी लोगों को उसकी बधाई, साथ में इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में इस रोशनी के साथ ही हर घर में रोशन हो, किसी के घर में कोई भूखा ना रहे, सबको पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना ज़रूर मिले, किसी तरह का भेदभाव ना हो, सारे भेदभाव मिटे, बराबरी का व्यवहार हो, इस उम्मीद के साथ आज के ही हम ये चर्चा शुरू करते हैं। जैसा मेरा विषय है कि युवा और रंगमंच, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ही आप लोगों से बातचीत करूँगा। जैसा कि मेरा अनुभव कहता है कि आप आज का जो युवा है वो बहुत ही सोच रहा है और काम कर रहा है, लेकिन कुछ बातें हैं जिस पे बातचीत करने की ज़रूरत है। कुछ उदाहरणों के साथ मैं अपनी बातों को रखूँगा। जैसे कि हम अपना प्रयोग जब अपने नाटकों में या अपने काम में जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, हमें नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो चीज़ हमें विरासत में मिली है, जिससे हम सीख रहे हैं, उनको लेते हुए और नई चीज़ों को सोचते हुए उनका अपने कामों में प्रयोग करना, तब हमें एक नई चीज़ मिलती है। तो जो आज के युवा हैं वो उसको नए नए ढंग से चीज़ों को ला रहे हैं सामने और उनका प्रयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत ही एक अच्छी बात है। जैसे कि मैं अगर उदाहरण लूँ तो राजकुमार का उदाहरण लूँ, जब राजकुमार ने काम शुरू किया और नए नए प्रयोगों के साथ काम कर रहा था, तो उसी दौरान इलाहाबाद में भी वो काम कर रहा था और उसे एक प्रोडक्शन से डिज़ाइन किया और इलाहाबाद के इसी निराला सभागार में उसने किया, बुलाया लोगों को, और इलाहाबाद के जो वरिष्ठ रंगकर्मी थे वो सारे लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने देखा उस नाटक को, लेकिन कुछ जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी थे उन्होंने उस प्रयोग को स्वीकार नहीं किया और निरस्त करके चले गए। तो हमारा कहना ये है कि आप प्रयोग सफल और असफल हो सकते हैं, लेकिन आप प्रयोग के लिए ही मना कर दें तो ये ठीक नहीं होगा, तो नई चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तो लिहाजा प्रयोग लगातार होते रहने चाहिए और अपने काम में तभी निखार आएगा, तभी कुछ हम अलग से कर पाएंगे। दूसरी बात, हम युवा लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास में क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनकी ओर हमारी नज़रें होनी चाहिए और उसका ध्यान होना चाहिए, तभी वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट करेगा। चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्याएं हो देश की, चाहे क्या कहते हैं आपकी महिलाओं से संबंधित समस्याएं हो, महिलाओं हिंसा समस्या हो, महिलाओं के साथ भेदभाव की समस्या हो, दलितों की समस्या हो, पिछड़ों की समस्या हो, जो भी है इनको हमें देखना होगा, तभी हम युवा उन चीज़ों को लेकर के हम अपने काम में आगे बढ़ पाएंगे, तभी उनकी बातें अपने काम में आ पाएगी। अब कुछ लोग कर भी रहे हैं, बहुत से लोग इसमें कर रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अनुभव आधारित जो ज्ञान है, जो अनुभव से हमें ज्ञान मिलता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसी पे हम युवा लोगों को काम भी करना चाहिए। जैसे कि अनुभव के अनुसार कि एक बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो एक अनुभव में हमें मिलता है, और हम जब नई चीज़ें ला रहे हैं उसका हम उन अनुभवों को साथ लेते हुए हम उसका प्रयोग करते हैं और समाज के बीच में जाते हैं। अब समाज के बीच में गए और उसको प्रस्तुत किया और उसका परीक्षण किया कि वो प्रयोग सही है या नहीं, फिर उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण में ये पता चला कि नहीं, हाँ ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, हमें इनको रखना है या नहीं रखना है, फिर हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर उसको उसका प्रयोग करते हैं, फिर नई चीज़ लाते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं। ये चक्रीय पद्धति होती है जिसके अनुसार हम अपना काम करते जाते हैं और चीज़ों को निखारते जाते हैं। तो यह जो अनुभव आधारित ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए, जो भी अनुभव, और सारे अनुभवों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो बच्चे का अनुभव हो चाहे वो बहुत बुजुर्ग का अनुभव हो, तो दोनों अनुभवों का आप उसका लेते हुए और उसको
अपने कामों में आप ढाल सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसका परीक्षण होना चाहिए। हो सकता है कि जब आप जनता के बीच में जाएं तो वो बात सही हो और ना भी सही हो। सही हो तो उसे रखिए और जो नहीं सही है उसे आप हटा दीजिए। तो बिना परीक्षण के आपका प्रयोग सफल नहीं हो सकता है। तो परीक्षण कीजिए और अनुभव आधारित ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। किताबी ज्ञान है अपनी जगह है, किताब का ज्ञान अनुभव ज्ञान दोनों का मिलान होना चाहिए, तब आप क्या कहते हैं आप आगे चीज़ों को लेकर के बढ़ सकते हैं। साथ में जो युवा लोग हैं जो आ रहे हैं इस रंगमंच के क्षेत्र में, अब उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, कैसे वो काम कर सकते हैं, तो उन्हें काफ़ी मेहनत करना होगा, उन्हें बहुत क्या सोचना होगा, बहुत पढ़ना होगा, तब हम कुछ आगे काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर हम उसी दौरान अगर सरकारी नीतियों की बात करें तो सरकारी नीतियां क्या हैं और किस तरह से हमारी युवाओं को प्रोत्साहन कर रही हैं, इसमें भी गौर करने वाली बात है। जैसे कि अभी एक उत्तर प्रदेश में एक नाट संस्थान है जिसमें कि कोई अभी डायरेक्टर नहीं है, कार्यकारी निदेशक नियुक्त है, और वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर उन छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए कि वहाँ डायरेक्टर आए एक, ताकि सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके, चीज़ें आगे चल सके, एक कैंपेन एक आंदोलन चल रहा है। तो सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी, ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी ताकि ऐसे जो संस्थान हैं वहाँ से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जब एक तो वहाँ उनकी अच्छी पढ़ाई हो, टीचर वहाँ पर उपलब्ध हो, बहुत ही अच्छा उनका माहौल हो, वहाँ पर का काम करने का माहौल हो, तभी वो चीज़ों को पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो संस्थान है अगर इसमें देखना पड़ेगा सरकार को नीतियाँ बनाते वक्त जो वहाँ से पढ़ के निकलने वाले लड़के हैं, पूरे देश भर के जो भी संस्थान हैं, उनका उनकी क्या उपयोगिता है, उनको हम कैसे अपने काम में ले सकते हैं, उनको कैसे उसमें रोजगार मिल सकता है, उनको काम मिल सकता है, हमें अभी देखना। अभी जो भी हमारे नाट संस्थान हैं, सरकारी नाट संस्थान हैं, वो अपने अभी कुछ बहुत सी कमियों के साथ पीछे चल रहे हैं और उनको बहुत सुधार करना होगा अपने कोर्स के स्तर पर, ताकि अब जो अपने यहाँ की लोक विधाएँ हैं, लोक नाट्य हैं, ये सारी चीज़ों को उनको समावेश करना हो, इसके लिए आवाज़ उठानी। तो आवाज़ कौन उठाएगा? युवा उठाएंगे, यहाँ के जो युवा हैं और लोग हैं सब मिल के उठाएंगे, तभी कुछ बदलाव की प्रक्रिया सामने आ पाएगी, नहीं तो नहीं आ सकती है। तो सरकारी नीतियों के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपनी बातें वहाँ तक पहुँचानी चाहिए, ताकि इन सारी नीतियों का ठीक ढंग से बन सके और आगे की ओर बढ़ सके। इस क्षेत्र में आने वाले सारे नौजवानों से जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आप बहुत ही क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है, और आपको आगे निकलना पड़ेगा और बहुत सी जानकारियाँ आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी, सामने आना पड़ेगा ले करके, तब कुछ चीज़ें बनती हैं। और विरोध अभी तक क्या है, जो सरकारी नीतियां हैं हमारे पास जो ज़्यादातर क्या है अनुदान के रूप में है, तो हम सारे लोग जो हैं उसके पीछे लगे रहते हैं, अपना श्रम उसमें लगा रहता है, किसी तरह हमें कुछ अनुदान मिल जाए और हम अपने काम को आगे अब बढ़ा सकें। अनुदान नहीं ये, बल्कि ये जो भी नौजवान है इनका हक होना चाहिए, ऐसी कुछ नीतियाँ बने, ऐसे कुछ नियम और बने ताकि वो उनका हक लगे, ना कि वो कोई एक भीख जैसा नहीं लगे। तब तो मामला कुछ बनेगा, तब तो युवा कुछ आएंगे जुड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा। अभी क्या हो रहा है कि लोग इन संस्थानों में आते हैं, युवा जुड़ते हैं रंगमंच के क्षेत्र में, बहुत उत्साह के साथ आते हैं, लेकिन उत्साह धीरे धीरे क्या होता है जब उनको बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके पास, और वो जिम्मेदारियाँ जब पूरी नहीं कर पाते हैं तो हतोत्साहित होने लगते हैं। तो नीतियाँ जो सरकारी नीतियाँ हैं, जो अनुदान है, जो सरकारी संस्थान है, वो सब मिल करके कैसे चीज़ों को बनाएं ताकि इस क्षेत्र में आने वाले युवाओं को रोजगार मिल सके, उनको काम मिल सके, और वो अपनी जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी वो
कायदे से आगे की ओर बढ़ा सकें, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। तो ये सरकार के स्तर की बातें हैं और उनकी नीतियों के स्तर पे बातें हैं, उनको ही देखना होगा और करना होगा। युवाओं से ये कहना है हमारा कि आप अपने अंदर जो हम कहते हैं नाटकों के माध्यम से, जो हम बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव पहले अपने अंदर भी लाना होगा। अगर हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाएंगे तो हमारा कहना बेकार है। तो पहले, सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाइए, तब हम दूसरों से बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो दूसरों के अंदर बदलाव कैसे आएगा? मान लीजिए हमें विरोध की संस्कृति को समझना चाहिए और प्रश्न उठाना आना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। युवा हैं वो प्रश्न करें, और बिना प्रश्न किए आप कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ सर हिलाते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है, आपको प्रश्न करना पड़ेगा और प्रश्न करने की संस्कृति को बचाए रखना होगा, तब तो मामला कुछ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और विरोध, अपने काम में विरोध, जो गलत है गलत, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना अपने काम में आना चाहिए। ये बहुत ही, मैंने जो अपने अनुभव के दौरान सीखा है वो यही सीखा है कि जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ एक कदम ताल करेंगे, कदम ताल करते रहेंगे, आपके जो वरिष्ठ लोगों ने किया फिर आप वही करेंगे और दूसरे की स्थिति में वो चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो इससे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर परिवर्तन लाना है तो हमें विरोध की संस्कृति, प्रश्न उठाने की संस्कृति को बनाए रखना होगा। लेकिन बहुत से युवा हैं जो अपने देश में काम कर रहे हैं, बिना अनुदान के काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम नाम लें तो पौड़ी में यमुना राम है, और जो कि वहाँ पर नौ अंकु नाट समूह है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो हर साल अपने यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस्टिवल करते हैं, और सीधे सीधे वो बोलते हैं कि जो जो जनता के अधिकारों की बात, जनता के हक अधिकार की बात वो करते हैं। हर साल पूरे देश से वो वहाँ पर जो नौजवान हैं, जो जो निदेशक है, जो आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनकी टीमों को वो बुलाते हैं वहाँ पर और वो अपने काम को वहाँ प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी खास बात उस फेस्टिवल की ये है कि वो जो फेस्टिवल होता है, वो सारा फेस्टिवल जो है जनता के पैसे से होता है। 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये, और जो जिसकी सामर्थ्य हो पैसे इकट्ठे करके वो फेस्टिवल होता है। और पिछले वो करीब, जहाँ तक मुझे मालूम है, करीब 12-15 साल से वो फेस्टिवल लगातार वो चल रहा है और काम करता जा रहा है, और उसका एक प्रभाव पड़ा। और उन्होंने उस शहर की संस्कृति, एक युवा ने उस पूरे शहर की संस्कृति को बदल दिया। जब मैं पहली बार वहाँ पर नाटक करने गया था पौड़ी में, उस प्रेक्षागृह के अंदर, तो जो मेरा अनुभव था वो तो बहुत ही भयानक था कि जिस हॉल में मैं कर रहा था, जब नाटक शुरू होता है तो लोग, पता चलते हैं कि लोग शराब पी करके बैठे हुए हैं और सीटी बजा रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, और जो क्या कहते हैं, जो आर्टिस्ट उनका नाम ले करके बुला रहे हैं, तो बहुत ही जो माहौल था बहुत ही अजीब सा माहौल था। वो जब बाहर निकल रहा था तो लोग बैठे हुए हैं शराब पी करके काम। तो ये तो एक मेरा अनुभव था। और उसके हम करीब उसके बाद वहीं पर यमुना राम उस शहर में जाते हैं, नौकरी के सिलसिले में जाते हैं, उसी शहर के होके रह जाते हैं, और वो लोग, उनकी टीम वहाँ मिल करके एक सांस्कृतिक परिवेश को पूरा बदल देती है। और जब मैं दोबारा वहाँ पर काम करने के लिए जाता हूँ तो पाता हूँ कि पूरा हॉल भरा हुआ है, और जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही अनुशासित तरीके से लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और पूरे नाटक को देख रहे हैं, जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरे शहर का माहौल जो था वो एकदम बदला हुआ था। लेकिन वो एक दिन में बदलाव नहीं आया, उन लोगों ने उसके लिए बहुत से प्रयास किए। उनमें काम करने वाले जो जो वहाँ के आर्टिस्ट थे, जो सोसाइटी से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, चाहे वो गरीब तबका हो अमीर तबका हो, सबका जुड़ाव जो बना वो आज तक वहाँ पर बना है। ये एग्जाम्पल है युवा लोगों की। इसी तरह से हमने अभी राजकुमार के बारे में बताया कि राजकुमार ने कैसे चीज़ों को बदला अपने काम के दौरान, कैसे उसने कलकत्ता में सीखा, चीज़ों को किया अपने
वहाँ पर रहते हुए जो उसने अनुभव किया और जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को लेते हुए और लगातार अपने कामों में प्रयोग करते हुए आज वो बहुत बेहतर तरीके से और नए नए प्रयोगों के साथ वो काम लगातार करता जा रहा है। अभी टोक में कर रहा है वो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से काम, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और नहीं कभी हार मानी। आपको धोखे मिलेंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा और आगे की ओर बढ़ना होगा। उसी तरह क्या कहते हैं अपने अभी जैसे कि एक एग्जांपल, अभी लोग इलाहाबाद में अभी शो हो रहा था अंधों का हाथी, युवा लोग, पूरी युवा लोगों की टीम, ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे थे यहाँ पर, उन्होंने नाटक तैयार किया, बड़ी मेहनत के साथ किया। और जो उन लोगों ने स्पेस उन बच्चों ने बुक किया कि वहाँ पर होगा नाटक होगा, एंड वक्त पे शो के मुश्किल से 15-20 घंटे पहले वहाँ से सूचना आती कि आपका यहाँ पर शो नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ अन्य कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के कारण हम आपका शो यहाँ पर नहीं करा सकते। सारे लड़के बहुत निराश के अवस्था में, लेकिन फिर भी वो बैठे और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम शो करेंगे। और उन्होंने एक स्पेस को डिज़ाइन किया, एस्ट्रोगनाइजेशन के स्पेस को डिज़ाइन किया उन्होंने, और सारे जो कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने पूरे उन नियमों का पालन करते हुए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए, और उन्होंने शो किया यहाँ पर, और शो मस्ट गो ऑन किया उस संकल्प के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया, हार नहीं मानी। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि निराश नहीं होना है और हार को नहीं मानना है। और प्रशिक्षण देना साथ में, आपको प्रशिक्षण लेना भी, एक कलाकार को प्रशिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना प्रशिक्षण के आपको नहीं पता चलेगा कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, कि सी के बाद डी आता है। तो ये एक संस्थान आपको या एक जो लोग काम कर रहे हैं वहीं पर आके पता चलता है कि आप कैसे क्या चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं, बाकी चीज़ें वहाँ पर आकर के आप अपनी निखारते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, ऐसे काम करेंगे, ऐसे अपनी बातों को रखेंगे तो हम आगे की ओर पहुँच सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि आप संस्था किसी एक देश के अच्छे संस्थानों में आप पढ़ने जाएँ और पढ़ाई करें, और उसको ले जो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं उसको अपने काम में उपयोग करते हुए आगे की ओर बढ़ें। एक ही साथ में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जेंडर को लेकर के बात करना चाहूँगा। हम सारे लोग अपने अपने क्योंकि जेंडर की जो बात है वो पितृसत्ता की भी बात है, पितृसत्ता बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, जहाँ भी हो ख़त्म हो। आप हमको भी अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा और इस चश्मे के साथ देखना पड़ेगा, हर समय गौर करने पड़ेगा, क्या अपने अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं, बदलाव हैं, क्या ऐसा कुछ है, तो उस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। सचेत रह करके जेंडर के मसले को अपने काम में ये चीज़ें बहुत ही रिफ्लेक्ट चीज़ें होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है। और जैसे कि आपके आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनके प्रति आपका नज़रिया क्या है, या हम उनको कैसे चीज़ों को कहते हैं, उनकी आवाज़ में कैसे अपनी आवाज़ को हम शामिल कर सकते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके, उस चीज़ के जो गलत हो रहा है उसको, उसके प्रति रिफ्लेक्ट करने के तरीके सबके अलग होंगे, आपके भी तरीके अलग होंगे, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये घटनाएं घट रही हैं तो क्यों घट रही हैं, या हम वैसे मान लें कि अभी जो हाथरस की घटनाएं घटी या जो और घटनाएं घट रही हैं उस पे उसमें क्या, वो क्यों घट रही हैं, उसके उसके क्या कारण हैं, और ये राजनीतिक परिदृश्य क्या है, और उससे हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं, हम कैसे उसको चीज़ों को ला सकते, कैसे उनके उस परिवार के साथ, उसके दर्द के साथ हम खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं और उसमें अपनी आवाज़ को हम शामिल कर सकते हैं, तब तो बात बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, आप बोलेंगे ही नहीं,
तो अपने काम में क्या कैसे बोलेंगे, वो काम में आपके नहीं बोलेगा, फिर वो एक झूठ सा काम दिखाई देगा, वो सच काम नहीं दिखाई देगा। तो ये करना बहुत जरूरी, जैसे कि अपने यहाँ अगर हम देखें अपने देश में बहुत से लोग हैं जो कि विरोध की संस्कृति जो है वो विरोध करते हैं चीज़ों को, अपनी कविताओं के माध्यम से या अपने पेंटिंग के माध्यम से, अपने गीत संगीत के माध्यम से वो चीज़ों को कहते हैं, और कभी कभी सत्ता पक्ष को चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि नहीं ये बातें ठीक नहीं हैं, इन लोगों को सामने नहीं आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को अक्सर उनको किन्हीं किन्हीं तरीके से जो सत्ता होती है अमूर्त सत्ता, वो सत्ता उनको किसी तरीके से जनता के सामने नहीं आने देना चाहती, या उनकी लिखी हुई रचनाओं को सामने नहीं आने देना चाहती, या उनके स्वर को सामने नहीं आने देना चाहती। तो हमें देखना पड़ेगा ऐसा सत्ता क्यों कर रही है, और उनके स्वर को सामने क्यों नहीं आने देना चाहती, या उनकी बात को सामने क्यों नहीं आने देना चाहती, या उनके गीत को, उनके संगीत को, उनके नाटकों को क्यों सामने नहीं, उससे क्यों सत्ता को डर लग रहा है। और हमें उनकी आवाज़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनके लिए बोलना पड़ेगा, तब चीज़ों को हम कह पाएंगे और तभी हमारा काम एकदम सही तरीके से आगे चल पाएगा। तो ये हमारी कुछ बातें थी, बुनियादी बातें थी, जिनको अगर हम ध्यान देंगे तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम जैसे कहें कि एक अपने एक प्रोफेसर हैं, क्या नाम है, दिल्ली में अभी, वो बहुत अच्छी किताबें लिख रहे हैं लेकिन व्हील चेयर पर चलते हैं, और उनको सरकार, वो लिख रहे थे जनता की बात कर रहे थे, जनता के हक अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन सत्ता को बातें समझ में नहीं आई, समझ अच्छी नहीं लगी, और किन्हीं और आरोपों में उनको उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया। इसी तरह लोगों के हक अधिकार को लड़ने वाली कुछ समाज सेवी हैं, सेविकाएं हैं, जिन जो कि मजदूरों की, महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी और सरकार से बात कर रही थी, लेकिन सरकार को अच्छी नहीं लगी बातें कि अरे इन गरीबों की, इन दलितों की, इन आदिवासियों की ये आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, इससे तो हमारी सत्ता हिल जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने उनको किन्हीं आरोप लगा करके उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। तो जो ये घटनाएं घट रही हैं, हमें नज़र खोल के रखना पड़ेगा, आखिर उनको जेल के अंदर क्यों डाला गया, सही बात के लिए डाला गया है तो अलग, आपको आपको सोचना पड़ेगा, तर्क के साथ सोचना पड़ेगा, आपको एक बहुत तटस्थ रह के सोचना पड़ेगा, क्या उनको सही डाला गया, क्या क्या बातें जो सत्ता कर रही, क्या वो सही है, तब तो कुछ नहीं कहना मुझे। अगर सत्ता गलत कह रही है तो अपने कामों में वो बात कहना आना चाहिए, उस बात को कहना चाहिए और बताना चाहिए, और जो भी विरोध के स्वर हैं उस पर अपनी बात को शामिल करना चाहिए कि हाँ ये जो है ये गलत, ये सत्ता गलत कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही भी कर रही तो उसको आप सही भी कह सकते हैं, ये आपके आपके विवेक, आपके तर्क के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को सोचते हैं और समझते हैं। आसपास रही हैं उन घटनाओं को समझना, जैसे कि अभी अभी मैंने एक नाटक देखा अंधों का हाथी, बहुत ही युवा निर्देशक है, बहुत दिन बाद मैंने देखा उसको और अपने युवा लोगों के साथ मिलकर किया, लेकिन जो उसने बिंब बनाए और जो अपने काम में दिखाया, तो जो आज का जो अपने देश का राजनीतिक परिवेश है और किस तरह से वो जो एक अमूर्त सत्ता है कैसे जनता को मूर्ख बनाती है और जनता के हक अधिकारों को वो दबाती है और सपनों, बड़े बड़े सपनों को दिखाती है, और जैसे उनके काम निकल जाते हैं तो उन सपनों को वो भूल जाती है। तो उस युवा निर्देशक ने बहुत ही अच्छे से अपने काम में उनको दिखाया, उसका नाम रवि है, और रवि ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बिंब को लेकर के चीज़ों को दिखाया और बताया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्या करना। तो हम युवा लोगों को भी अपने काम में इन इन बातों को रेखांकित करना होगा और बताना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर किसी के साथ
जब तक मान लीजिए आपके मोहल्ले में कहीं पर किसी महिला के साथ हिंसा होती है या उसके साथ बदतमीजी होती है, तो आप कहते नहीं हमारे घर के लोगों के साथ थोड़ी, और हम क्यों बोले, या आप अपनी आँख बंद कर लेते हैं और नहीं बोलते हैं, चले जाते हैं या उनके के साथ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है अपने काम के द्वारा, नहीं तो क्या होगा, कभी हमारे साथ घटना घटेगी और लोग आएंगे और बोलेंगे, तो फिर कोई हमारे साथ घटना घटेगी तो लोग हमारे लिए नहीं आएंगे, खड़े होंगे और कुछ उनको भी समझ नहीं आएगा, चले जाएंगे वो, कि ठीक है ये इनकी समस्या है, ये समाज। तो हमारे जो काम है वो सामूहिकता, सामूहिक आधार पे हम काम को करते हैं, सबके साथ मिल के करते हैं, लेके चलते हैं, तो समूह का जो निर्णय होता है, समूहधारी जो काम होता है वो इतना आसान इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को लेके चलना, उनको करना, समूह के साथ रहना। इंडिविजुअली काम तो आप कर सकते हैं लेकिन समूह को, इसलिए नाटक जो विधा है वो बहुत कठिन है, आपको समूह के साथ चलना पड़ता है, समूह को लेके चलना पड़ता है, सामूहिक प्रयास होता है तब इन चावों को कम। आप ऐसे सोच सकते हैं युवा लोगों के अंदर कितनी शक्ति, कैसे चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं एक देश के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इससे आप समझ सकते हैं। देश के अंदर 89 में एक घटना घटी थी, 1989 में, कि सफदर हाशमी एक कलाकार थे, लेखक थे, नाटककर्मी थे, और उनकी एक टीम थी जन नाट मंच के ग्रुप से, वो नाटक किया करते थे और छोटे छोटे नाटक वो बना करके और जनता के बीच जा, उन्होंने ये एक चीज़ निकाली अपने परंपरा से कि हम जनता के ना प्रेक्षागृह से नाटक को निकाल करके वो नाटकों को लेकर के जनता के बीच में गए, और नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, गली में, मोहल्ले पे वो जा जा करके जनता की समस्याओं पे जो आधारित नाटक थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के जो नाटक थे वो करते थे, और जनता बहुत उनसे प्रभावित होती थी। उसका आलम यह था कि गाजियाबाद में करीब दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर वो नाटक कर रहे थे और किसी एक मजदूर साथी खड़ा हुआ था चुनाव में, उसके समर्थन में वो एक हल्ला बोल नाम का नाटक कर रहे थे, और जो उस मजदूर साथी के अपोजिट जो नेता खड़ा हुआ था बहुत दबंग था, माफिया था, गुंडा था, पैसे भी थे, सब कुछ थे, इन लोग के पास कुछ नहीं थे, लेकिन सफदर जब उन गलियों चौराहों में घूमे हैं और उन्होंने अपने क्या कहते हैं नाटकों को किया है, तो एकाएक जनता का रुख बदलने लगा और मजदूर की तरफ आने लगी और बहुत भीड़ होने लगी। फिर लोगों को समझ में आने लगा नहीं, जो सफदर बात कह रहे हैं या जो जन्नाट मंच बात कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये तो हमारी बातें कर रहे हैं, हमारे महंगाई की बातें कर रहे हैं, हमारे रोज की दर्द की बातें कर रहे हैं, तो ये तो सही है। तो इससे घबरा करके और जो वहाँ का गुंडा माफिया था जो चुनाव लड़ रहा था, उसने 1 जनवरी की रात में हमला कर दिया और सफदर सफदर नाटक करते हुए उन पर हमला होता है और वो सफदर की मौत हो जाती है, उनका मर्डर हो जाता है, पूरे देश क्या पूरे एशियाई कंट्रियों में एक उबाल सा आ जाता है, एक बहुत लोग, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि पूरे देश के अंदर नुक्कड़ नाटकों का एक दौर चल गया, राजनीतिक नुक्कड़ नाटकों का दौर चला, बदलाव का एक दौर चला, और इसका प्रभाव सिर्फ अपने देश में ही नहीं, आसपास के जो एशियाई कंट्रीज थे उन पर भी प्रभाव पड़ा, और वहाँ पर भी इस तरह के नाटक होने शुरू हुए, जनता के मुद्दों आधारित नाटक होने शुरू हुई और जनता बहुत खुश हुई, और सत्ता जो थी घबरा गई क्या होने वाला है, ये कैसे चीज़ें हो गई। तो यहाँ इस जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया है कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि हम युवा लोग ही बदलाव कर सकते हैं, चीज़ों को ला सकते हैं, लेकिन वही है कि हम अपने काम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसी नई चीज़ों को सामने ला सकते हैं। इसके हमने आपको कई एग्जाम्पल दिए, राजकुमार का दिया, क्या कहते हैं आपको सफदर हाशमी का दिया, यमुना राम का दिया, और भी लोग हैं वो कर रहे हैं अपने यहाँ, इधर कुछ काम चल रहा है वो लोग अब देश के अलग अलग कोनों में कर रहे हैं। कैसे हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में पहुँचें, ये एक ध्यान देने वाली बात है कि जनता के बीच में अपने काम को लेकर कैसे पहुंचा जाए, कितने कम
संसाधनों में हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं, इस पे हमें देखना होगा। अभी क्या हो रहा है, नाटकों की कई वो भाषाएं चल रही हैं, प्रेक्षागृह में नाटकों हो रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल प्रेक्षागृह में जाकर के 4-5 लोग बीच में करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी वहाँ से प्रेक्षागृह से अलग हट करके गाँव में और गलियों में मोहल्लों में अलग अलग अपने घर की छतों पे काम करना उन्होंने शुरू किया है। जनता के पास तक वो अपने नाटकों को लेकर के जा रहे हैं, काम को कर रहे हैं। तो हमें भी अपने अनुभव के आधार पे, आपके जो अनुभव हैं, आपके आसपास का जो अनुभव है, उसके आधार पे हमें अपने चीज़ों को करना होगा और समझना होगा। तो ये एक बात थी अपने युवा लोगों से। बाकी हम आप किताबें भरी पड़ी हैं, आप पढ़ेंगे नाटकों से संबंधित सारी किताबें, नाटक पढ़ेंगे, सारी जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, सारे चीज़ें उपलब्ध हैं, बस आपको खोजने और पहचानने की ज़रूरत है और उसे निकाल के पढ़ने की ज़रूरत है, और उससे पढ़ के जो अच्छी चीज़ें उसे लीजिए, अपने काम में ढालिए और आगे की ओर निकल जाइए। यहाँ मेरा जो आपसे बात थी वो ये था, 2-3 चीज़ें बहुत ही स्पष्ट आपसे कहनी है। वो ये कहनी है कि अपनी विरोध की संस्कृति, प्रश्न उठाने की संस्कृति को बचाए रखिए, अपने काम में जेंडर का जरूर ध्यान रखिए कि हम जेंडर आधारित काम चीज तरह नहीं कर रहे हैं। अपने व्यवहार में, आपके व्यवहार से कहीं कोई इससे प्रभावित तो नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिए अपने साथियों के बात, उन लोगों की बातें। बराबरी का व्यवहार करिए सबसे, एक इक्वलिटी, इक्वल व्यवहार करिएगा, किसी का हक अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए, तब तो बात बनेगी। यही बात मैं आपसे बार बार मैं चीज़ों को कह रहा हूँ कि अगर हम उन चीज़ों में नहीं शामिल होंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक कदम ताल करते हुए नज़र आएंगे और कुछ नहीं हो रहा होगा। तो लिहाजा हमें आज के इस दौर में, जो ये दौर है बहुत ही कठिन दौर चल रहा है, आसपास का जो दौर है, आसपास जिस तरह से हमारे चीज़ें जनता के चारों तरफ बना दी जा रही हैं, सोचने समझने की शक्ति को एकदम क्या कहते हैं उनको, कुंद कर दिया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से, उनके बीच में आप कैसे बचे रह सकते हैं, क्या करना है, है ना? अब उनके बीच से बचे रह के क्या करना है, कैसे करना है, अपनी बात को कैसे रिफ्लेक्ट करना है बिना उनसे प्रभावित हुए, और जनता के पास तक कैसे जाए, महत्वपूर्ण बात है उस जनता के पास, वो गरीब जनता, वो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, वो जो भेदभाव होते हैं और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, जो भी जिस भी तरह के भेदभाव हैं, सारे भेदभावों को से हम कैसे बच सकते हैं, अपने को बचाना है, और जहाँ हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है, उसको अपने पे ध्यान देना और अपने ऊपर भी प्रयोग करना है, तभी हम समाज पर भी प्रयोग कर पाएंगे। थैंक यू, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे जब मौका लगेगा। जन सरोकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद जिन्होंने हमें मौका दिया और अपनी बात रखने का, युवाओं से बात करने का, और रंगमंच, युवाओं और रंगमंच कैसे हो सकता है, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सभी लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।